हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बुक एंड कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चीज़ी गार्लिक ब्रेड पुला पार्ट बनाने की रेसिपी। बहुत इजी, बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है और ख़ास ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए, इस गार्लिक ब्रेड को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए गार्लिक बटर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच बटर लिया है। इसमें 12 से 15 लहसुन की जो कलियाँ आती है उसे ग्रेट करके डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें ओरिगेनो और रेड चिली फ्लेक्स डाल देते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर मैं हरा धनिया भी ऐड कर रही हूँ। अगर चिली फ्लेक्स ओरिगेनो नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस ये सिंपल सा हम इस तरह से गार्लिक बटर बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये बटर तैयार हो गया है। अब हम इस गार्लिक ब्रेड के लिए बाकी की फिलिंग तैयार करते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने प्याज लिया है बारीक कटा हुआ, यहाँ पर गाजर लिए हैं बारीक कटी हुई, शिमला मिर्च भी ली है। यहाँ पर आप चाहें तो जो भी सब्ज़ियाँ आप पसंद करते हैं वो ऐड कर सकते हैं। बॉइल्ड कॉर्नस इस्तेमाल कर लीजिए। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया है और यहाँ पर मैं मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और थोड़ा सा इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर। बस यहाँ पर हमने कुछ हेल्दी सब्ज़ियाँ ली हैं, उसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए फिलिंग भी बनके तैयार हो गई है। और बस यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ ये जो बर्गर बंस आते हैं ना, उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर जो पाव आते हैं ना, लादी पाव, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो नान आता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये बर्गर बंस का इस्तेमाल किया है। इन्हें हम इस तरह से कट कर लेंगे, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, हम इसे पूरा नीचे तक नहीं कट कर रहे हैं। देखिए, मैंने इसे हाफ ही कट किया है इस तरह से। बस इस तरह से इसमें कट्स लगा लीजिए, जिससे कि फिलिंग फिल करना आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो हमने बटर तैयार किया था ना गार्लिक वाला, वो हम इसमें लगा देंगे। तो इस तरह से ब्रश कर लीजिए या फिर चम्मच से आप लगा लीजिए। गार्लिक बटर का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। जो गार्लिक का फ्लेवर है वो सारा बटर में आ जाता है, उससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और जो हमने ये सब्ज़ियों की शिमला मिर्च, प्याज, गाजर, आप चाहे तो यहाँ पर कॉर्न्स भी यूज़ कर लीजिए। तो इसे भी इन गैप्स में जो हमने कट्स लगाए थे ना, उसमें इस तरह से फिल कर लेंगे। और ऊपर से मैं थोड़ा चीज़ और डालूँगी, क्योंकि जब ये चीज़ मेल्ट होगा ना अंदर भी और ऊपर से भी, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी और भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। देखिए, यहाँ पर मैंने चीज़ थोड़ा सा और डाल दिया है। थोड़ा सा और इस पर हम बटर अप्लाई कर लेते हैं और थोड़े से चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो भी स्प्रिंकल कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मैं हरा धनिया भी डाल रही हूँ गार्निशिंग के लिए। और फिर बस आपको सिंपली इसे टोस्ट कर लेना है, सेक लेंगे हम इसे तवे पर। हमें इसके लिए, इस गार्लिक ब्रेड को बनाने के लिए, किसी भी तरह के ओवन की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इसे अपने घर में जो तवा होता है ना, उस पर भी सेक सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बटर अप्लाई किया है और इस गार्लिक ब्रेड को हम इस पर रख देंगे। कवर करके मैं इसे लो फ्लेम पर 3 मिनट के लिए पकाऊंगी, ताकि जो चीज़ हमने अंदर डाला है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। और यहाँ पर हम जो दूसरा बन है उसे भी बना लेते हैं, उसे भी तैयार कर लेते हैं। तब तक हमारा जो गार्लिक ब्रेड है वो तैयार हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। पहले कट्स लगा लीजिए, अंदर उसमें गार्लिक बटर लगाइए, फिर थोड़ी सी जो फिलिंग हमने तैयार की थी वो स्टफ़ कर दीजिए और फिर बस थोड़ा सा चीज़ डाल दीजिए। तो देखिए, इसे टोस्ट होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये अच्छे से टोस्ट हो गया है। हमारी चीज़ देखिए अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, यानी कि हमारा गार्लिक ब्रेड बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत झटपट, बहुत इंस्टेंटली बनके तैयार हो जाती है। बच्चे इसे खुद बना सकते हैं, इतनी ज़्यादा आसान है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे क्लिक कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टिल दैट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।